फिफ्थ सीरीज पार्ट फाइव एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम अक्सर बोल के समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करके दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है, फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। हमारे जो कार्य हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा आवाज़ करते हैं। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कहावत है चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी, जिसकी चल रही है वो सक्सेसफुल है, जिसकी रुकी हुई है वो कुछ नहीं। द शो मस्ट गो ऑन, कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो शो स्टॉपर होता है, जो मेन पर्सन होता है, वो नहीं कुछ कर पाता, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से एक्टिविटी को, मोशन को कंटिन्यू किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री मर गया, राष्ट्रपति मर गया, तो ऐसा लगेगा अरे अब कैसे चलेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में कहते हैं चला जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आएंगी, बहारें फिर भी आती हैं। द शो मस्ट गो ऑन, मेन थॉट शुड बी, मेन फोकस शुड बी ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ द जॉब। द हैवीएस्ट बर्डन, सबसे भारी बोझ इन लाइफ इज, हमें लगता है कि ये बोझ है, वो बोझ है, बुढ़ापा बोझ है। व्हेन यू हैव नथिंग टू कैरी, जब आपके पास कुछ काम ही नहीं होता करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो उसको कोई ये भी नहीं कहेगा कि आप ये करो वो करो, लेकिन वो बीमार अकेला पड़े पड़े ही परेशान हो जाता है। तो द हैवीएस्ट बर्डन इन लाइफ इज व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम योर ड्यूटीज़। अक्सर बीमार लोग, अपाहिज लोग बर्डन से फ्री हो जाते हैं। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, हमें भय के भूत से भयभीत नहीं होना है। किससे नहीं भयभीत होना? भय के भूत से, भय से भयभीत नहीं होना। जैसे कि माउंटेन ड्यू गाइड है, डर के आगे जीत है, तो डर को छोड़ो और आगे बढ़ो। वन फियर्स, आदमी कब तक डरता है? अनलेस, जब तक वन ओवरकम्स वंस फियर, जब तक वो अपने भय पे काबू ना पा ले। रूजवेल्ट ने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। फियर इज डेथ, स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। मौत के समान है भय, भय मौत के समान है, या भय को मौत कहा है, ये है मेटाफर। स्ट्रेंथ इज लाइफ, जीवन का असली अर्थ ताकत में ही है। आप ताकत से जिए, मजबूती से जिए, तभी मजा आएगा। कहावत है डेलिब्रेट ऑफन डिसाइड वंस, चाहे विचार विमर्श करो कितनी बार भी, लेकिन एक बार जब डिसाइड कर लिया तो कर लिया, फिर उस पर अमल करो। इफ़ यू डिसाइड इन हेस्ट, यदि आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, कई बार लेना पड़ जाता है या कई बार लोग लेते हैं, यू रिपेंट एट लेजर, तो फिर फुर्सत के लम्हों में बैठ के पछताएंगे। इसलिए जल्दबाजी में इम्पॉर्टेंट फैसले ना लें, इम्पॉर्टेंट फैसलों पर कम से कम एक कंसिडरेबल टाइम खर्च करें, अर्थात काफ़ी समय खर्च करें, सोच विचार करें, लोगों से डिस्कशन भी करें जो आपकी जैसी सोच के लोग हैं। ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, ये कहावत है, जिस तन लागे वो तन जाने। जिसको बर्दाश्त करना पड़ता है ना, कोई बोझ, कोई परेशानी, कोई समस्या झेलनी पड़ती है, उसी को पता है कि वो कैसे झेल रहा है। जैसे गरीब आदमी को पता है गरीबी क्या है, बेरोजगार को पता है बेरोजगारी क्या है, बीमार को पता है कि स्वास्थ्य क्या है, जो जान वेयर का मतलब पहनने वाला, पहनने वाले को पता है कि जूता पैर में कहाँ काट रहा है, अर्थात कहाँ दर्द हो रहा है। दूसरे लोग तो बस बातें ही बना सकते हैं। लाइफ गिव्स अस लेसन वर्थ यूजिंग, जीवन हमें ऐसे सबक सिखाता है जिसका हम लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अर्थात अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। हमारी ही गलतियाँ हमारे लिए सबक बन जाती हैं। इफ़ यू लैंड, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, LEND आएगा, LEND, लैंड मीन्स उधार देना। इफ़ यू लैंड मनी, यदि आप पैसा किसी को उधार देते हैं, यू लूज़ बोथ, तो आप दोनों को खो देंगे, किसको? अपने पैसे को भी, और जो दोस्त है जिसको उधार दिया है, जो बोरोवर है जिसने आपसे पैसा उधार लिया है। योर मनी एंड बोरोवर और योर फ्रेंड और रिलेटिव, जिसको भी दे दिया ना पैसा, एक बार जिसको दिया वो आपका दुश्मन बना। निप द इविल इन द बड्स, कहावत है अगेन, बुराई को शुरू में ही दबाओ। मान लीजिए किसी बच्चे ने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, उसको इतना पीट दो कि वो आगे दूसरे किसी नशे के बारे में सोचे ही नहीं, उसी दिन उसका चाम उतार दो, जिसको कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू होता है, मार मार के सूट उतार देना। बच्चे को शुरू में ही सख्ती से निपटा जाए ताकि वो आगे बिगड़े ना। बुराई को शुरू में दबाओ, नहीं तो वो बड़ा रूप ले जाएगी। सांप के बच्चे को ही मार दो ताकि वो आनाकोंडा ना बने। एजुकेशन डज नॉट क्वेंच, क्वेंच होता है शांत करना, पैसिफाई योर थ्रस्ट बट मेक्स यू मोर थ्रस्टी। शिक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी किसी जिज्ञासा या प्यास को शांत करती है, बल्कि ये आपको और अधिक जानने के लिए जिज्ञासु या प्रेरित करती है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज, ये आइंस्टाइन ने कहा है, किसी ने उनसे पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज टू फोकस ऑन योर गोल एंड टू कीप योर माउथ शट।
गोल पे फोकस करो और मुंह को रखो, चोंच को रखो बंद, ज़्यादा अपने प्लान्स के बारे में लोगों को बताओ मत। पावर करप्ट्स कहावत है, ताकत का नशा आदमी को भ्रष्ट बना देता है। एंड एब्सोल्यूट पावर और कंप्लीट पावर, अगर आपको ज़्यादा पावर दे दी जाए तो ये आपको पूर्णतया कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली मीन्स कंप्लीटली भ्रष्ट बना देती है। तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं और कुछ मोटिवेशनल थॉट्स हैं, दोनों को मिक्स करके आपके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो बनाई है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इन चीज़ों से लाभ उठाएं। एक प्रोवर्ब मैंने आपको पहले भी बताया, कम से कम 1000 वर्ड की स्ट्रेंथ रखती है, क्योंकि प्रोवर्ब एवर ग्रीन ट्रूथ होती हैं, टाइम टेस्टेड ट्रूथ होती हैं। सो डू लर्न देम, डू यूज़ देम एंड टेक देयर बेनिफिट इन योर लाइफ।